गुड मॉर्निंग बेटा, नवीन सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज पुनः हम कक्षा 12 की कृषि जीव विज्ञान विषय के अध्याय 13 परजीवियों का अध्ययन और आर्थिक महत्व पर चर्चा कर रहे हैं। हमने पिछले लेक्चर के अंदर लीवर फ्लूक का जीवन चक्र का अध्ययन किया था, जो आपके उम्मीद करता हूँ ठीक प्रकार से समझ में आया होगा। आज हम उसी के आगे चलते हैं, लीवर फ्लूक का आर्थिक महत्व। बेटा, ये तो पता लग गया होगा आपको कि लीवर फ्लूक से लाभ होने की संभावनाएं नहीं के बराबर है। हाँ, लीवर फ्लूक से हानियां हो सकती हैं, तो आपको हानियां ही हानियां जो भी हैं वो याद रखनी है। लीवर फ्लूक भेड़ के लीवर में पाया जाता है, जो लीवर और पित्तवाहिनी को क्षतिग्रस्त कर देता है। भाई, आपसे मैंने पहले भी कहा था कि जो लीवर फ्लूक नाम का परजीवी है वो सामान्यतया कशेरुकी प्राणियों में, और कशेरुकी प्राणियों में भी कौन सा, भेड़ के अंदर मुख्य रूप से मिलता है, उसके लीवर के अंदर। तो जिससे क्या होता है कि जो भेड़ का लीवर है वो डैमेज हो जाता है, क्षतिग्रस्त हो जाता है, और उससे उसकी अनेक जो क्रियाएँ हैं वो अवरुद्ध हो जाती हैं। इसके द्वारा यकृत, क्रियाशीलता घट जाती है, और उसकी जो उपापचयी क्रिया होती है उसके शरीर में वो अनियमित हो जाती है, अनियंत्रित हो जाती है। यकृत की क्रियाशीलता घट जाती है इससे। पित्ताशय में क्या बन जाता है बेटा, जिसको अपन बोलते हैं नॉर्मल भाषा में पथरी। भाई, क्योंकि यहां पर कैल्शियम भवन होगा, कैल्शियम इकट्ठा हो जाएगा, और उस कैल्शियम के इकट्ठा हो जाने के कारण ही पथरी जैसी संरचनाएं बन जाती हैं, पथरियों का बनना आम बात हो जाती है। जबड़ों पर पानी से भरे हुए छाले बन जाते हैं, जो भेड़ के जबड़े होते हैं उन पर पानी से भरे हुए क्या बन जाते हैं, छाले बन जाते हैं, और उस जंतु के अंदर खून की कमी आने लगती है, ब्लड की कमी आ जाती है, खून कम हो जाता है, भूख कम लगती है और ऊन गिरने लगती है। जो भेड़ होती है उसके शरीर से ऊन गिरने लगती है, टिक नहीं पाती, अच्छी क्वालिटी की ऊन बन नहीं पाती, तथा दूध की मात्रा कम हो जाती है। भेड़ से जो दूध मिलता है उसकी मात्रा कम हो जाती है। अच्छा, कई बार क्या होता है, लीवर फ्लूक का अधिक संक्रमण हो जाता है भेड़ में। भेड़ में जब अधिक संक्रमण हो गया, मतलब उसके लीवर के अंदर लीवर फ्लूक की संख्या, भाई जनन हो रहा है, जनन के द्वारा लीवर फ्लूक की संख्या एक निश्चित सीमा से ज़्यादा हो गई, तो जब संक्रमण एक निश्चित सीमा से ज़्यादा हो जाता है तो लीवर तो काम करना बंद ही कर देगा। अब ऐसी अवस्था में क्या होगा, जो कशेरुकी प्राणी है उसकी मृत्यु तक हो जाती है। तो इस प्रकार से ये एक लाभकारी परजीवी नहीं है, हानिकारक परजीवी है। ये आपका बेटा लीवर फ्लूक कंप्लीट। अब हम अगली जो चर्चा करेंगे वो एक ऐसे परजीवी के बारे में करेंगे जिससे सभी परिचित हैं, और वो है एस्करिस। एस्करिस, इसका जो वैज्ञानिक नाम है एस्करिस लुम्ब्रिकॉइड्स।
इसके राइट जा। हाँ बेटा, एस्करिस का जो वैज्ञानिक नाम है, साइंटिफिक नाम, वो है एस्करिस लुम्ब्रिकाइट्स। एस्करिस लुम्ब्रिकाइट्स। संघ कौन सा होगा? निमेटोडा। बेटा निमेटोडा में जो जंतु आते हैं, जो परजीवी आते हैं, उन्हें कहते हैं गोलकृमि। गोल कृमि क्यों? कृमि का मतलब होता है लट जैसी रचना, और वो गोल या वेलनाकार होती है, इसीलिए इसके अंतर्गत गोल कृमि आते हैं, जिन्हें हम निमेटोड़ा संघ में रखते हैं। और गण है इसका एस्केराइडिया। एस्केराइडिया गण के अंतर्गत आता है एस्केरिस। अच्छा, परपोषी की बात करें तो आमतौर पर अधिकतर परपोषी होते हैं इसके, जैसे मनुष्य, सुअर, घोड़ा, भैंस, गिलहरी इत्यादि, ये सभी परपोषी इसके अंतर्गत आते हैं। क्या है एस्केरिस? इस पर यदि हम दृष्टिपात करें तो अब नाम तो इसका एक ऐसा है जो सुना भी हो सकता है, नहीं भी सुना हो सकता है, लेकिन इसके बारे में चर्चा कभी ना कभी आपने सुनी होगी। आपको याद हो तो छोटे बच्चे जो होते हैं, जब वो मीठा दूध पीते हैं या कुछ भी मीठा खाते हैं, तो उनके गुदा छिद्र पर रात्रि काल में खुजली चलती है, और हम कहते हैं साहब इनको चुन्ने खा रहे हैं। तो जिस जीव को हम चुन्ने बोलते हैं, वास्तव में वही एस्करिस होते हैं, एस्करिस लुम्ब्रिकाइट्स। तो आज हमें इस परजीवी के बारे में ही चर्चा करनी है। यह मुख्य रूप से मनुष्य की आंत्र में अंतः परजीवी के रूप में पाया जाता है। जो मनुष्य की आंत्र होती है उसमें ही मिलता है ये अंतः परजीवी के रूप में। भाई बाह्य परजीवी तो होगा ही नहीं, क्योंकि शरीर के भीतर मिल रहा है, इसलिए अंतः परजीवी के रूप में होगा। यह एक लिंगी प्राणी है। बेटा यहाँ पर ध्यान दें, एक लिंगी प्राणी है ये, अर्थात एक जंतु के अंदर कोई एक ही जननांग होगा। मतलब मादा एस्केरिस अलग होगा, नर एस्केरिस अलग होगा, एक ही जंतु में दोनों प्रकार के जननांग नहीं पाए जाएंगे। नर एस्केरिस अलग होगा और मादा एस्केरिस अलग होगा। इसके शरीर पर क्यूटिकल का आवरण पाया जाता है। क्यूटिकल का खोल जो मिलता है वो क्या काम करेगा? अब चूंकि हम ये पढ़ रहे हैं कि साहब एस्केरिस मिल कहाँ रहा है? मनुष्य की आंत्र में। और आंत्र में जब मिलता है तो विभिन्न प्रकार के एसिड्स के द्वारा इस एस्केरिस को नुकसान हो सकता है, तो इसीलिए उस क्षति से बचने के लिए एस्केरिस के पूरे शरीर पर क्यूटिकल का आवरण मिलता है, जो इसे सुरक्षा प्रदान करता है। इसका अग्र छोर त्रिकोणाकार बना होता है, जिस पर मुख स्थित होता है। इसका जो अगला सिरा होता है वो इस प्रकार से त्रिकोणाकार होगा, त्रिकोणाकार है, और इसी पर क्या मिलता है आपको? मुख मिलता है, जिसके द्वारा ये अपना जो भी भोजन है उसे ग्रहण करता है। नर एस्केरिस की लंबाई कम होती है और मादा एस्केरिस की लंबाई अधिक होती है। जो नर एस्केरिस है इस प्रकार से उसकी लंबाई तो मिलेगी आपको कम।
और जो मादा एस्केरिस होता है वो अधिक लंबी होती है। इस प्रकार से नर एस्केरिस की लंबाई कम होगी, मादा एस्केरिस की लंबाई ज्यादा होगी। एक आपको मैंने बताई दिया कि ये कैसे प्राणी हैं, एक लिंगी प्राणी है। एक चीज और बेटा, चित्र में आपको दिखाई दे रहा होगा जो नर एस्केरिस होता है वो पीछे से कुछ मुड़ा हुआ होता है, जबकि मादा एस्केरिस की बात करें हम वो बिल्कुल सीधी होती है, मुड़ी हुई नहीं होती। वो नर हो या मादा हो, इनके शरीर की संपूर्ण लंबाई में अनुदैर्ध्य रूप से एक, दो, तीन और चार, चार अनुदैर्ध्य रेखाएं दिखाई देती हैं। ये इम्पोर्टेंट इसका लक्षण है कि एस्केरिस चाहे नर हो या मादा हो, जब आप इसे देखते हैं तो शरीर की संपूर्ण लंबाई में आपको चार अनुदैर्ध्य रेखाएं दिखाई देंगी। दो रेखाओं के, ध्यान दें, थोड़ा सा डीपली चलते हैं, दो रेखाओं के मध्य यदि गौर से देखें तो आपको 150 पतली पतली छोटी छोटी रेखाएं नजर आएंगी। तो इसका मतलब जो चार अनुदैर्ध्य रेखाएं हैं टोटल अगर देखें तो 600 पतली पतली रेखाओं से मिलकर बनी हुई है। बाकी आपको तो यहाँ पर यही ध्यान रखना है एस्केरिस की शरीर की संपूर्ण लंबाई में चार अनुदैर्ध्य रेखाएं दिखाई देती हैं। एस्केरिस में अब श्वसन की बात करें तो बेटा एस्केरिस तो एक अंतः परजीवी है और जब मनुष्य की आंत्र के अंदर रह रहा है तो श्वसन के लिए इसे ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, इसीलिए श्वसन कौन सा होगा यहां पर, वायवीय या अवायवीय? यहां पर श्वसन होगा अवायवीय। एस्केरिस में श्वसन कौन सा मिलेगा, अवायवीय श्वसन मिलेगा, वायवीय श्वसन नहीं मिलेगा। इसकी बाहरी सतह पर अगर हम लोग छिद्रों की बात करें, बाहरी सतह पर यदि हम लोग छिद्रों की बात करें कि साहब छिद्र कौन कौन से मिलते हैं, तो देखें बेटा, नंबर एक, शरीर के अगले सिरे पर तीन ओष्ठों से घिरा हुआ एक मुख होता है। मुख होगा कहां पर होगा, शरीर के अगले सिरे पर होगा, और किस प्रकार का होगा, जैसे ये मुख है यहां पर अपन देखें तो तीन क्या मिलेंगे, होठ मिलेंगे इसके, और इन तीनों होठों से घिरा हुआ ये जो पोर्शन है वो क्या कहलाएगा, मुख। तो चाहे नर एस्केरिस हो या मादा एस्केरिस हो, दोनों में ही एक मुख मिलता है और वो मुख तीन ओष्ठों से घिरा हुआ होता है। अगली बात करें बेटा, मध्य अधर सतह पर एक उत्सर्जी छिद्र मिलता है। मध्य अधर सतह कहां आ गई, ये आ गई इस जगह पर, क्या मिलेगा, उत्सर्जी छिद्र। इसके अगले सिरे पर क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है मुख। मादा में शरीर की अधर सतह पर एक जरन छिद्र पाया जाता है। जो मादा प्राणी है
उसमें क्या मिलेगा, एक एक्स्ट्रा जनन छिद्र मिलेगा। और नर के अवस्कर द्वार, यहां पर जो नर प्राणी है उसमें इस प्रकार से अंत में एक छिद्र मिलता है, उसको बोलते हैं अवस्कर द्वार। उसमें एक जोड़ी पीनियल सिटी, इस प्रकार से ये रचना तो है पीनियल सिटी, और इस छिद्र को क्या बोलेंगे, अवस्कर द्वार। मादा की बात करें तो यहां पर जो होता है छिद्र उसको बोलते हैं गुदा छिद्र। तो जो नर एस्केरिस होता है उसमें देखें ऊपर ऊपर मिल रहा है मुख, उसके नीचे मिलता है उत्सर्जी छिद्र, और शरीर के अंत में एक छिद्र मिलता है जिसको बोलते हैं अवस्कर द्वार। इसको अवस्कर द्वार क्यों कहा गया है, क्योंकि इसी द्वार से शरीर से ये मल को भी त्यागता है और जननिक पदार्थों को भी त्यागता है। तो ऐसा छिद्र जिसमें से मल मूत्र और जननिक पदार्थ बाहर निकलें वो गुदा छिद्र नहीं कहलाता, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है अवस्कर द्वार। और अवस्कर द्वार पर दो इस प्रकार से रोम जैसी रचनाएं होती हैं जिनको बोलते हैं पीनियल सिटी। ये पीनियल सिटी जब मैथुन की क्रिया होती है उस समय मादा एस्केरिस के जनन छिद्र में घुस कर के और उस छिद्र को खुले रखने में सहायता करती है। यदि मादा की बात करें तो मादा एस्केरिस में मुख मिलेगा, उसके नीचे उत्सर्जन छिद्र मिलेगा, उसके नीचे जनन छिद्र मिलेगा, और सबसे अंत में मिलता है गुदा छिद्र। इस गुदा छिद्र के द्वारा ये मादा प्राणी मल त्याग करती है। मादा प्राणी में इस छिद्र को हम अवस्कर द्वार नहीं कह सकते। अब बात करें बेटा पाचन तंत्र की। पाचन तंत्र, तो एस्केरिस के पाचन तंत्र में क्या क्या चीजें मिलेंगी हमको, देखिएगा। पाचन तंत्र में मिलेगा हमें मुख, मुख के बाद बात करेंगे ग्रसनी, ग्रसनी हो गया, आंत्र, मलाशय, ये सारे जो पार्ट हैं वो इसके पाचन तंत्र में मिलेंगे। यहां नर का मलाशय क्या अवस्कर छिद्र में खुलता है, जबकि मादा का जो मलाशय है वो गुदा छिद्र में खुलेगा। ध्यान रखने योग्य बात है, यदि आप नर एस्केरिस की बात करते हैं तो नर एस्केरिस में जो मलाशय पाया जाता है वो अंत में अवस्कर छिद्र में खुलता है, और मादा प्राणी में जो मलाशय पाया जाता है वो अंत में गुदा छिद्र द्वारा बाहर खुलते हैं। तो इस प्रकार बेटा हमारे जो एस्केरिस है उसकी संरचना और उसके बारे में हमने चर्चा की। एक बार पुनः इस पर प्रकाश डालते हैं। देखिए एस्केरिस एक अंतः परजीवी प्राणी होता है, आमतौर पर मनुष्य की आंत में पाया जाता है, और ये एक द्विलिंगी प्राणी न होकर एक लिंगी प्राणी होता है, अर्थात एक जंतु के या एक सजीव के शरीर में एक ही प्रकार के जननांग पाए जाते हैं। इसमें नर और मादा दो अलग अलग प्राणी होते हैं,
इन प्राणियों का जो शरीर होता है वो आगे से शंकु के आकार का होगा। नर प्राणी लंबाई में छोटा होता है, मादा प्राणी लंबाई में बड़ा होता है। इनके शरीर पर चार अनुदैर्ध्य रेखाएं संपूर्ण लंबाई में पाई जाती हैं, जिन्हें देखकर हम पहचान सकते हैं कि ये एस्केरिस है। एस्केरिस के संपूर्ण शरीर पर चार अनुदैर्ध्य रेखाएं पाई जाती हैं, जिन्हें देखकर हम पहचान सकते हैं कि ये कौन सा जंतु है एस्केरिस। एस्केरिस के शरीर पर कुछ छिद्र मिलते हैं। अग्र सिरे पर चाहे नर हो या मादा हो एक मुख मिलेगा, और मुख जो होता है वो तीन ओष्ठों से घिरा हुआ होता है। मुख तीन ओष्ठों से घिरा हुआ होगा। मुख के अलावा और क्या मिलेगा? जो नर प्राणी होता है उसमें मुख से कुछ नीचे उत्सर्जी छिद्र मिलता है, ठीक ऐसे ही मादा प्राणी में भी मुख से कुछ नीचे उत्सर्जी छिद्र मिलेगा। इस छिद्र के द्वारा ये अपने अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन करते हैं। तो इस प्रकार से मुख हो गया, और मुख के नीचे मिलने वाला छिद्र उत्सर्जी छिद्र हो गया। अगली चर्चा करें, जो नर प्राणी होता है वो बिल्कुल सीधा नहीं रहता, बल्कि उसका पिछला हिस्सा कुछ मुड़ा हुआ होता है। जबकि मादा एस्केरिस की बात करें तो ये शरीर की संपूर्ण लंबाई में बिल्कुल सीधा स्ट्रेट रहता है। नर प्राणी में शरीर के अंत में एक छिद्र होता है, उसे अवस्कर छिद्र कहते हैं, अवस्कर द्वार कहते हैं। क्यों? क्योंकि इस छिद्र के द्वारा ये नर प्राणी अपना मल और जननित पदार्थ दोनों का त्याग करता है। इसीलिए ऐसे छिद्र जिनके द्वारा मल और जननित पदार्थ दोनों बाहर त्यागे जाते हैं वो कहलाते हैं अवस्कर द्वार। इस अवस्कर द्वार से दो पीनियल सीटी निकली होती है, और ये पीनियल सीटी क्या काम आती है? मैथुन की क्रिया के समय मादा प्राणी के जनन छिद्र में फंसकर उसे लगातार खोले रखने का कार्य करती है। ठीक ऐसे ही मादा एस्केरिस में शरीर के बंथर्ड भाग पर नीचे की ओर एक और छिद्र होता है, जिसे जनन छिद्र कहते हैं। मैथुन की क्रिया के समय नर एस्केरिस अपने जननित पदार्थों को इस छिद्र के द्वारा ही मादा प्राणी के शरीर में प्रवेश कराता है। मादा एस्केरिस में शरीर के अंत में मिलता है एक गुदा छिद्र। गुदा छिद्र क्यों कहा गया है? यहाँ पर इस छिद्र को अवस्कर छिद्र क्यों नहीं कहा गया? क्योंकि इस छिद्र के द्वारा मादा एस्केरिस केवल मल का त्याग करती है, जननिक पदार्थ इस छिद्र से होकर बाहर नहीं निकलते। इसीलिए इसे अवस्कर छिद्र न कहकर केवल क्या कहा गया है? गुदा छिद्र। तो इस प्रकार से ये एस्केरिस चाहे नर हो या मादा हो उनके शरीर की संरचना हो गई। जब मैथुन की क्रिया होती है उस समय नर एस्केरिस मादा एस्केरिस पर समकोण पर, समकोण मतलब 90 डिग्री एंगल पर इस प्रकार से सेट होता है कि नर का ये जो अवस्कर छिद्र है वो किस पर जाकर टिके? मादा के जनन छिद्र पर। तो इस प्रकार से वो सेट होगा, और जब ये अवस्कर छिद्र इस जनन छिद्र पर जाकर फिट होता है तो इस पर मिलने वाले पीनियल सिटी इन जनन छिद्रों में अंदर जाकर फंस जाते हैं और छिद्र को इस प्रकार से चौड़ा रखने का काम करते हैं ताकि छिद्र खुले हुए पाए जाएं।
एस्केरिस की जब पाचन तंत्र की बात कर रहे हैं हम लोग, तो इसके पाचन तंत्र में मुख, ग्रसनी, आंत्र और मलाशय पाए जाते हैं, जो कि अमूमन सभी सजीवों के शरीर में मिलते हैं। तो बेटा ये एस्केरिस की संरचना के बारे में हमने चर्चा की। अब इसके बाद हम चर्चा करेंगे एस्केरिस के जीवन चक्र पर। एस्केरिस का जीवन चक्र, इससे पहले भी हमने लीवर फ्लूक के बारे में चर्चा की थी और उसका जीवन चक्र पढ़ा था हम लोगों ने, ठीक वैसे ही हमें एस्केरिस का भी जीवन चक्र पढ़ना होता है। लेकिन हम इस लेक्चर के अंदर इसके जीवन चक्र पर प्रकाश नहीं डालेंगे, वो हम अगले लेक्चर में डालेंगे। फिलहाल आप ये देखिए बेटा कि जो हमने एस्केरिस पढ़ा उसका वर्गीकरण, उसका वैज्ञानिक नाम, उसके शरीर की बाहरी संरचना, उसके पाचन तंत्र, इन सभी को आप के समझ में जो शब्द थे अपने, कुछ जो टेक्निकल शब्द आते हैं वो दिमाग में रख कर के, और इन वीडियोस को आप दो तीन बार लगातार देखें, तो उससे क्या होता है कि जो टेक्निकल शब्द आते हैं वो दिमाग में बिल्कुल फिट रहते हैं, भूलने की गुंजाइश नहीं रहती। अब जैसे आज की हम बात करें, एस्केरिस हम लोगों ने पढ़ा, संरचना पढ़ी, इस पर हमने स्ट्रेस डाला था अवस्कर छिद्र और गुदा छिद्र पर। तो इसमें से एक क्वेश्चन बन के आता है आपके एग्जाम में कि एस्केरिस के अंदर नर एस्केरिस है तो वहाँ पर अवस्कर छिद्र पाया जाता है, मादा एस्केरिस है तो वहाँ पर गुदा छिद्र पाया जाता है, ऐसा क्यों? तो अब ये क्वेश्चन को कोई आंसर थोड़ी बताएगा, इसका तो आपके दिमाग में ये रहना चाहिए अवस्कर छिद्र शब्द जब आ रहा है इसका मतलब उस छिद्र में होकर मल भी बाहर निकलेगा और जननिक पदार्थ भी बाहर निकलेंगे। अगर गुदा छिद्र शब्द आ रहा है तो गुदा छिद्र के द्वारा किसी भी प्रकार के जननिक पदार्थ बाहर नहीं निकलते, केवल और केवल मल वाला पदार्थ ही बाहर निकलेगा। तो नर एस्केरिस और मादा एस्केरिस दोनों में ये विशेष अंतर है कि नर एस्केरिस के अंदर आपको अवस्कर द्वार मिलेगा, जबकि मादा एस्केरिस की अगर आप बात करेंगे तो वहाँ पर अवस्कर द्वार न कहकर उसे हम क्या कहेंगे, गुदा छिद्र कहेंगे। तो ये थी बेटा जी कुछ जो अलग अलग शब्दों में डिफरेंस है, वो डिफरेंस अगर आप जानते हैं तो आराम से कर सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद। यदि फिर भी आपको कोई समस्या पैदा होती है तो आप विद्यालय के मैनेजमेंट के पास ये मोबाइल नंबर है, इन पर संपर्क कर सकते हैं।